हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर वेरी फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मेरा आज का मैं चैप्टर लेकर आई हूँ, 4 नंबर चैप्टर, हेल्दी एंड हैप्पी। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का चैप्टर है ईवीएस का। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी को हमें अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए। अ हेल्दी पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन, और जो हेल्दी पर्सन रहता है वो क्या होता है, खुश रहता है। वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स टू बी हेल्दी, हमें गुड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, यानी कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए रात को। वी शुड ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग, यानी कि हमें रोज हमारे दांत ब्रश करने चाहिए रोज सुबह। एंड बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि रात को सोने जाने से पहले भी हमें ब्रश करना है। डू यू नो अप एंड डाउन एंड नॉट अक्रॉस इज द वे टू ब्रश द टीथ, मतलब अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, आपको मालूम है। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, हमें एक्सरसाइज हर रोज करनी है। अ डेली मॉर्निंग वॉक, और डेली क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। क्यू कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए एंड फिट रहने के लिए हमें हर रोज मॉर्निंग वॉक करना है। वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे, हमें रोज क्या करना है, बाथ यानी कि रोज नहाना है। एंड वियर क्लीन क्लोथ, वियर यानी कि पहनना, क्लीन क्लोथ यानी कि साफ कपड़े हमें पहनने हैं। वी शुड कॉम अवर हेयर नीटली, यानी कि कॉम यानी कि बाल बनाना, अवर हेयर यानी कि कॉम अवर हेयर यानी कि बाल बनाना। वी शुड कॉम अवर हेयर नीटली, हमें हमारे बाल अच्छी तरह से रोज बनाने हैं। वी शुड ट्रिम अवर नेल्स एंड कीप देम क्लीन, हमें हमारे नेल्स रोज काटने हैं, मतलब हमेशा हमारे नेल्स काटते रहना चाहिए एंड उन्हें साफ रखना चाहिए। वी शुड फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज, हम टॉयलेट यूज करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, फ्लश करना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ सोप, हमारे हाथ हमें क्या करने चाहिए, धोने चाहिए, किससे, विथ सोप यानी कि साबुन से धोने चाहिए। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट यूज करने के बाद हमें हमारे हाथ साबुन से धोने चाहिए। वी शुड नॉट बाइट अवर नेल्स, और हमें क्या करना नहीं है, हमारे नाखून चबाना नहीं है। बाइट यानी कि चबाना, शुड नॉट यानी कि नहीं करना है, हमारे नाखून चबाने नहीं है। वी शुड ऑल्सो वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, वी शुड ऑल्सो वॉश अवर हैंड्स यानी कि हमारे हाथ हमें धोने हैं बिफोर यानी कि पहले, एंड आफ्टर यानी कि बाद में, मील्स यानी कि खाना, खाने के पहले एंड खाने के बाद हमारे हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। वी शुड ईट अवर मील्स एट प्रॉपर टाइम, और हमें क्या करना है, ईट यानी कि खाना खाना है, हमारा मील्स यानी कि हमारा खाना खाना है एट प्रॉपर टाइम, हमारे जो सही टाइम है खाना खाने का उसी टाइम पे हमें खाना है। यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकफास्ट है 8 बजे का, यानी कि ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं, नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। ये लंच 12 बजे का, ये लंच दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। ये है डिनर 8 बजे का, रात के खाने को डिनर कहते हैं। टू कीप अवर बॉडी हेल्दी वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, टू कीप अवर बॉडी हेल्दी यानी कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है, वी शुड ईट यानी कि हमें खाना है क्या, क्लीन एंड फ्रेश फूड, साफ एंड ताज़ा खाना खाना है। वी शुड च्यू अवर फूड वेल, और क्या कहा है यहाँ पे, वी शुड च्यू, च्यू यानी कि चबाना, अवर फूड यानी कि हमारा खाना वेल और अच्छी तरह से, हमें क्या करना है, हमारा खाना अच्छी तरह से चबाना है। वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, और हमें क्या करना है, पानी जो होता है ना हमारा पीने का, वो क्लीन और फिल्टर्ड वाटर हमें पीना है।
फूड शुड बी केप्ट कवर, और फूड जो होते हैं खाना बनाने के बाद उन्हें ढक के रखना चाहिए. फूड शुड बी कवर, किप्ट कवर, और उन्हें ढक के रखना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे देखिए ढक के रखा है, इस तरह से ढक के रखना चाहिए. नाउ रिमेम्बर, रिमेम्बर यानी कि याद रखना. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर बॉडी, हमें हमारे बॉडी की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए. टू बी हेल्दी, हेल्दी रहना है. वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स, हैबिट तो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, हमें गुड हैबिट्स फॉलो करने हैं. वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, हमें हमेशा क्या करना होता है, क्लीन एंड फ्रेश फूड मतलब साफ और ताज़ा खाना खाना है. वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर वाटर, और हमें हमेशा साफ और फिल्टर पानी पीना है. सो बच्चों, आपको हेल्दी एंड हैप्पी ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अब हम आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन वन वर्ड, यानी कि आंसर एक वर्ड में लिखना है. फर्स्ट है व्हाट डू यू यूज टू कॉम योर हेयर, आप अपने हेयर कॉम करने के लिए किसका यूज करते हो, बाल बनाने के लिए किसका यूज करते हो, कॉम का. तो यहाँ पे लिखना है कॉम. व्हाट डू यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग, आप सुबह क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग, मिल्क पीते हो ना बच्चों, आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करने के बाद नहाने के बाद आप मिल्क पीते हो, तो यहाँ पे लिखना है मिल्क. व्हाट डू यू यूज टू ट्रिम योर नेल्स, आप अपने नाखून काटने के लिए किसका यूज करते हो, नेल क्लिपर का, राइट. सो वी लर्न अबाउट सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमें. हाँ, फर्स्ट देखेंगे हम आई गो फॉर अ वॉक एवरी डैश, तो यहाँ पे है मॉर्निंग एंड मंथ, तो आपको यहाँ पे लिखना है आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. जैसे इसका मतलब है मैं रोज सुबह वॉक पे जाता हूँ. वी शुड गो टू बेड डैश एट नाइट, यहाँ पे है अर्ली और लेट. अर्ली का मतलब होता है जल्दी एंड लेट का मतलब होता है देर से, तो इस तो यहाँ पे आएगा अर्ली. वी शुड गो टू बेड, मैं बेड पे सोने के लिए जल्दी से रात को जल्दी से जाता हूँ, यानी कि जल्दी सो जाता हूँ. अब तो आपको यहाँ पे लिखना है अर्ली. आई च्यू माई फूड डैश, यहाँ पे है स्लोली एंड फास्ट, तो हमें खाना कैसे करना है, स्लोली स्लोली चबा के खाना है, तो यहाँ पे आएगा आंसर स्लोली. आई च्यू यानी कि चबाना, माई फूड यानी कि खाना, मेरा खाना मैं चबा के खाता हूँ, कैसे, स्लोली स्लोली खाता हूँ. टू बी हेल्दी वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, यहाँ पे है वंस अ ईयर, तो हमें एवरी डे यानी कि रोज करना है, ना कि ईयर में एक बार, तो यहाँ पे आंसर आएगा एवरी डे. टू बी हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए वी शुड एक्सरसाइज, हमें रोज एक्सरसाइज करनी है, एवरी डे यानी कि रोज. यहाँ पे थर्ड वाला है थिंग्स टू डू, हियर आर सम थिंग्स, वी यूज टू कीप अवर सेल्स क्लीन, राइट देयर नेम्स बिलो ईच पिक्चर्स. यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दिए हैं और कुछ थिंग्स मतलब यानी कि कुछ चीजें लिखी हुई है और कुछ चीजें यहाँ पे पिक्चर्स में दिए है, तो हमें वो यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे टूथब्रश, ये पिक्चर है टूथब्रश का, तो ये देखिए टूथब्रश की स्पेलिंग, तो ये यहाँ पे लिखना है. देन ये है सोप, तो ये है सोप की स्पेलिंग, सोप यहाँ पे लिखना है. दिस इज कॉम, ये देखिए कॉम, तो यहाँ पे लिखना है हमें कॉम. ये है नेल क्लिपर, तो ये देखिए नेल क्लिपर की स्पेलिंग, ये देखिए नेल क्लिपर की स्पेलिंग हमें यहाँ पे लिखनी है. ये है टॉवेल, यह टॉवेल की स्पेलिंग, हमें टॉवेल की स्पेलिंग यहाँ लिखनी है. यह है बकेट, ये देखिए बकेट की स्पेलिंग बच्चों, ये बकेट की स्पेलिंग हमें यहाँ लिखनी है. यह है मग, मग की स्पेलिंग MUG मग, यहाँ पे लिखना है मग. ये है हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ की स्पेलिंग यहाँ पे है हैंडकरचीफ, तो ये स्पेलिंग हमें यहाँ पे लिखनी है.